गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो यार आप लोग? आज हम लोग भाई एकदम ऑन टाइम है, 1 बजे हम लोग घर से निकल चुके हैं अपने, और ये जस्ट अभी घर से निकल रहे हैं भाई और जा रहे हैं सिविल लाइंस की तरफ। यार मुझे तो ये टेंशन हो रही है ना भाई, ये अरे यार सीट बेल्ट पहनना भूल गया, 2 मिनट देना भाई। क्या आपको टाइम नहीं आएगी क्योंकि मैंने सीट बेल्ट पहन लिया है? और भाई हमेशा सीट बेल्ट पहन के ही गाड़ी चलाना चाहिए, है ना? तो यार मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा हाँ सही लग रहा हूँ भाई, वो तो हमेशा लगता ही है। तो हाँ मैं ये कह रहा हूँ, मुझे ये टेंशन हो रही थी भाई, भाई मेरा टैंक अब 0 किलोमीटर्स पे आ गया है, मतलब रेंज अब दिखा ही नहीं रहा है भाई गाड़ी पे। ये देखो क्रूजिंग रेंज कुछ दिखा ही नहीं रहा है यार। बंद तो नहीं हो जाएगी ना गाड़ी? बंद हो जाएगी तो भाई फिर तो बहुत जाम होगा, इसको तो धक्का भी नहीं मार पाएगा भाई कोई। ये नहीं किसी से मदद ले लो अगल बगल वालों से, है ना? तो हम लोग फिलहाल बढ़ रहे हैं सिविल लाइंस की तरफ भाई। अगर हल्का सा भी लगेगा गाड़ी झटका दे या कूद दे, मैं तुरंत खुद बंद कर दूंगा और फिर यही करना पड़ेगा कि कैन मंगा के फिर उसमें तेल डलाना पड़ेगा और क्या। बट इतना तो यार चले ही जाना चाहिए मेरे ख्याल से, इतना तो टोयोटा इमरजेंसी समझेगी किसी आदमी का, है ना? अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इस बार इसमें तेल कितने का आएगा भाई, ये बड़ा सवाल है। 5-6 हज़ार में फुल हो जाएगा मुझे तो नहीं लगता। चलो खैर देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो यार रास्ते में पेट्रोल पंप पे रुक गए क्योंकि भाई बस भरोसा नहीं हो रहा था यार, इतनी बड़ी गाड़ी है ना, गिरते ही देर उसमें रिजर्व का तेल चल जाएगा और प्लस रिजर्व के बाद भी जीरो हो गई थी भाई। तो रुक गए रास्ते में ही। अब भाई डला रहे हैं हम लोग डीजल, देखते हैं भाई कितना डीजल आता है इसमें। अभी तो ऐसा इतना आया है अभी 1000 रुपये का, देखते हैं कितना आता है टोटल में। गाड़ी में अपने तेल डल चुका है 6325 रुपये। उसने 70 लीटर एंटर किया था, कहा भैया 70 लीटर में फॉर्चुनर फुल आ जाती है, बट भाई उसके बाद भी गाड़ी नहीं फुल हुई थी। तो ये 6325 और 135 रुपये का और तेल गया भाई, मतलब लगभग 1.5 लीटर और, मतलब 71 लीटर लगभग तेल गया है। और भाई 6440 रुपये का टोटल तेल भरा है गाड़ी में। अब हम लोग बढ़ रहे हैं भाई शहर की तरफ। भाई ये हमारा नया पुल है और पिछले 15 मिनट से मैं ऐसे ही यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। आप लोग भी नज़ारा लो भाई, क्या व्यू है ना गाइस। 3:45 हो रहे हैं ना और हम लोग अभी तक भाई ये बैराना पे, मैं किसी तरह करके रामबाग वाला फ्लाईओवर बंद है भाई, मैं बैराना पे आ गया हूँ भाई। यहाँ भी जाम है यार, मतलब कोई कोना नहीं बचा है शहर का, पता नहीं क्या है यार, समझ नहीं आ रहा है। हालत ख़राब हो गई है भाई एकदम, सही में बहुत हालत ख़राब हो गई है। देखो आगे पीछे हर जगह जाम 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 जाम। अभी हम लोग आ चुके हैं यार यहाँ चाट की दुकान पे, चाट खाने, ठीक है? और यहाँ भाई सब लोग चाट खा रहे हैं, बहुत फेमस चाट है ये सिविल लाइंस के भाई। ये सब छोटी छोटी चीज़ों से खुशी मिलती है यार, अच्छी बात है, करते रहना चाहिए, क्यों? हेलो गाइस, गाइस हम लोग का नाम रख दिया पूरा शहर, हेलो गाइस, हेलो गाइस। अरे भाई अभी अभी आया है किसी से मिल के। किससे मिल के भाई? अब वो भाई यहाँ मत बुलवाओ, मत बोलो गाइस, आप सुन रहे हो बस गलत बात है गाइस, ऐसा सुनने वाली नहीं है ये। बस भाई से जो मिलने आई, अरे आया था वो, जा रही भाई, जा रहा है भाई काले फिल्म में ताकि हम लोग देख ना पाए। अरे भाई वो तो पूरा काफला है तो वो तो गया क्या बोले भाई गाइस। आज देखो मतलब सॉरी यार मैं क्यों जाएगा सर, भाई देखो ऐसा है कि आज इतना जाम झेल लिए हम लोग इलाहाबाद, इतिहास में नहीं झेले होंगे, चाहे महाकुंभ रहा हो कोई कुंभ रहा हो, कभी भी नहीं। महाकुंभ मतलब हम सोच रहे हैं महाकुंभ से भी बड़ा मेला रहा हो तो भी कभी है भाई ऐसा जाम नहीं झेले जैसे आज झेले हैं। सच में यार। और खड़े हैं हम लोग इंतजार में, आओ जी ढाबा, कैसे लेट हो, रात हो, सब लोग घर में जाके सोए तो हम लोग अपने घर जाए। हाँ हम लोग पता केवल टाइम पास कर रहे हैं, क्या करें क्योंकि बाकी कुछ ज्यादा जाम कह रहा हूँ यार। सोच रहे भाई कुछ तो करेंगे, अब ये तो बिजी था अभी तक, अभी अभी आया है इतने सीधे लोग हैं हम लोग, उसके बाद भी शक करते हैं यार भाई। इलाहाबाद का हर एक
लड़का सीधा है क्यों भाई, कमेंट्स बताओ हम लोग अलाहाबाद का हर लौंडा कितना सीधा है भाई, बहुत सीधे है भाई हम लोग। यार सड़क को माहौल मिल नहीं रहा इस समय बहुत ज्यादा, वो देखो गाइस पैराडाइज। अविनाश भैया आर यू वॉचिंग द वीडियो? ये भाई पैराडाइज, ये देखो यहाँ आके यार। ओ क्या कौन से इंडल्जेंस, चॉकलेट इंडल्जेंस, बहुत बेहतरीन भाई, पिघला के एकदम बेहतरीन बेहतरीन, मतलब यार सब ऐसे ऐसे आज मैं बोलूंगा आप लोग बोलोगे। आज थोड़ा मन क्या कहते हैं प्रफुल्लित, क्या कहते हैं प्रफुल्लित है, प्रफुल्लित है भाई। अभी अभी हम बताए ना, अभी अभी आया मिल के। अरे भाई सब यार नहीं बताए, कोई ब्लॉगर एक्सपोज्ड, ब्लॉगर एक्सपोज्ड। क्या मतलब गाड़ी आई खड़ी है क्या? नहीं यार क्या कट कर दी, कुछ कट नहीं होगा मेरे ब्लॉग में, मेरे ब्लॉग में कुछ नहीं कट होता है, अगर एडिट एडिट मतलब बाद में मुझको कट नहीं करना रहता कभी, मैं बस क्लिप बंद करके जोड़ देता हूं सारे क्लिप भाई, कुछ नहीं होगा, जो रहेगा सब रॉ आप लोग को जैसे रहेगा वैसे मिल जाएगा। हां ये कट पिट वाला काम नहीं, 10 बार कट पिट करो, कट थोड़ी करता है मतलब भाई। अब हम लोग ढूंढते हैं कुछ करने को, फिर मिलते हैं आपसे। तो हम लोग आ चुके हैं नैनी, क्यों आए नैनी यार हम लोग भाई, अब सब बताना थोड़ी है, कितनी देर में ये बताइए भाई। हम लोग नैनी आए हैं लगभग 13-14 मिनट में सिविल लाइन से, तो भाई थोड़ा रास्ता खाली पा गए थे वो भी घूम के आए, लेकिन फिर भी नहीं भगाया गाड़ी ज्यादा। गाड़ी कहाँ भगा, गाड़ी नहीं भगाए भाई। अब हम लोग जा रहे हैं घर, और उसके पहले कल के तो मैंने आपको बता के रखा ही है भाई कि कल का व्लॉग बिल्कुल मत मिस करना, बिकॉज मुझे तो पता है लेकिन आप लोग अगर जानना है तो कल का व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना, एक नंबर व्लॉग आने वाला है, सही चीज आने वाली है। कोई नहीं किया ये, देखो मैं ये बोल रहा हूँ भाई, यहाँ से तो इतना कंफर्म है इलाहाबाद से कोई नहीं किया है भाई, इतनी शुरुआत में इतनी बड़ी चीज कोई करता भी नहीं है। हाँ भाई कह सकते हो कुछ ऐसा भी, लेकिन भाई अपने मुंह से बोलना नहीं चाहिए ना, बात वही है भाई, भाई आज पूरा दिन ट्रैफिक में निकल गया। आज जो फैन मिला कितना अच्छा फैन मोमेंट लगा आज, वो बात भाई फैन मोमेंट मिला भाई आज, बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसे मिलता है फोटो खिंचाता है भाई, बड़ा प्यार बरसाया उस आदमी ने हम पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली गाड़ी रोक के भाई बहुत बहुत दिल से शुक्रिया आपका। और दूसरी चीज यार मैं बार बार बोल रहा हूँ तो समझ लो बहुत ही अच्छा कुछ होने वाला होगा यार, कल का व्लॉग मत मिस करना, मिस करो यार बस मेरी एक बात मान लो, ये वीडियो आने वाली मिस गलती से भी मत करना ठीक है भाई, यार आप लोग पछताओगे मेरा। तो मिलते हैं भाई अब आपसे घर पे। गाइस हम लोग आ चुके हैं अपने घर, और भाई लेट गए हैं बिस्तर पे सीधे, यार मुझे वो ट्रैफिक याद करके ना गुस्सा आ रही है, अभी पता नहीं मैं खाली बैठा था मुझको गुस्सा आ रही है ट्रैफिक याद करके, खाना वाना सब पड़ा यार, खाने का मन ही नहीं एकदम, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि आप लोग को कुछ दिखाना है यार, कल एक व्लॉग में दिखाऊं कि दो व्लॉग में, मतलब एक व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा मेरे ख्याल से अगर मैं पूरा वो दिखाऊंगा एपिसोड, दो एपिसोड बनाने पड़ेंगे मेरे ख्याल से। दोनों पे प्यार दिखाओगे ना कमेंट्स अभी से बता दो, अभी इस व्लॉग पे बोल दोगे ना भाई नहीं दिखा पाएंगे तो भाई नहीं डालूंगा फिर दो व्लॉग आगे की, मतलब उस अच्छी चीज़ के फिर एक ही व्लॉग डालूंगा भाई ठीक है, अगर कहोगे बस भाई बनाओ हम सब आपके साथ तो दो व्लॉग डालूंगा पक्का ठीक है भाई। फिर से हम अब जैसे टीचर्स रोज़ याद दिलाते हैं ना क्लास में और फिर भी बच्चे नहीं सुनते भाई, मैं वैसे ही आपको याद दिला रहा हूँ भाई, प्लीज़ रोज़ रोज़ का मेरा ये कह सकते हो तकिया कलाम बन गया है वीडियो भाई, वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब दबा देना भाई ठीक है, वैसे तो मैं बोलता हूँ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, लेकिन वो हर यूट्यूब वाला बोलता है ठीक है, लेकिन मैं दिल से बोल रहा हूँ भाई सब्सक्राइब के बटन दबा देना। और दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी चीज़ क्या थी यार, कुछ बताना था भूल गया, चलो कोई बात नहीं याद आएगी तो अगले व्लॉग में बता दूंगा, वो तो बड़े ट्रिप की कुछ बात थी, क्या तो बात थी याद नहीं आ रही है। चलो भाई कल आपसे मिलते हैं ठीक है, और भाई अच्छा ये होता हूँ मेरी कोई गलती नहीं है ठीक है, कल भी मैं फिल्म में उलझ गया कल तो ठीक है भाई, घर वालों के साथ जाना भी ज़रूरी है थोड़ा कभी कभी, और आज भाई इतनी भीड़, आप जो इलाहाबाद से देख रहे हैं वो तो पता ही होगा भाई कि मैं सच बोल रहा हूँ, अगर कम्यूट कर रहे होंगे आगे पीछे नए पुल या पुराने पुल से तो ठीक है, तो यार मेरी गलती नहीं है कि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, एंड नेक्स्ट व्लॉग भाई सुपर होने वाला है सुपर, और जब जब मैंने कहा है हुआ है कि नहीं हुआ है, तो इसलिए बने रहना साथ में, वीडियो पसंद आई
तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, धीरे से बोल दिया भाई, सब समझ के कर दो प्लीज, और आपका दिन शुभ हो।